30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom Tele Top Up। हाय मैं हूँ मीरा यानी कि आप सबकी चकोर। आपको पता है मुझे गोली लग गई है। अब गोली किसने मारी, क्यों मारी, कैसे मारी, ये मुझे पता लगाना और आपको भी पता लगाना होगा। तो देखिए ये स्टोरी। चकोर को लगी गोली, चकोर पर हुआ जानलेवा हमला, विवान पहुंचा चकोर को बचाने। जी हां, सीरियल उड़ान में चकोर को कुछ गुंडों ने मार दी है गोली और इस मौके पर वहां पहुंच गया है विवान, लेकिन गुंडे उसके हाथ से बच निकले। वेल अच्छा है कि चकोर को गोली लगी नहीं, सिर्फ छूकर निकल गई। विवान चकोर के घाव पर पट्टी बांधता है और उसे अस्पताल ले जाने की बात करता है, लेकिन चकोर उन गुंडों को पकड़ने की बात करती है। गुंडे होते वो मेरे पीछे पड़े होते, उन्होंने मुझको गोली मार दी जब मेरा ध्यान नहीं था, पीछे से वार किया, फिर सामने से विवान आया, फिर विवान ने उसको पकड़ने की कोशिश की पर नहीं पकड़ पाया और क्योंकि वो भाग गया, और फिर विवान मुझे बचाने क्योंकि मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। वेल चकोर जख्मी हालत में ही विवान के साथ गुंडों का पीछा करती है और उन गुंडों तक वो दोनों पहुंच जाते हैं और फिर शुरू होता है दंगल। विवान उन गुंडों की जमकर धुलाई करता है, सभी गुंडे विवान पर हमला करते हैं और वो अकेला ही सबको मार रहा है। हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ी इनको बचाने के लिए और ये भी उतनी हिम्मत दिखाती है हमेशा, तो इस बार भी वही किया इसने कि हॉस्पिटल नहीं जाना है, पहले उनको ढूंढना है और उनसे बदला लेना है और पता लगाना है कि कौन है सबके पीछे। अब विवान पर जैसे ही एक गुंडा चाकू से हमला करने जा रहा होता है तभी पहुंच जाता है वहां सूरज, और फिर सूरज उन गुंडों की करता है जमकर धुलाई। दोनों भाई विवान और सूरज मिलकर गुंडों को अच्छा सबक सिखाते हैं। चकोर और विवान को शक है कि ये गुंडे जरूर कमल नारायण नहीं भेजे होंगे। कमल नारायण के गुंडे हो सकते हैं ऐसा इसको भी लगता है और मुझे भी लगता है। वेल अभी तो चकोर पर से मुसीबत टल गई, लेकिन अगर ये कमल नारायण की चाल थी तो ये चकोर सूरज इमली और विवान के लिए घातक साबित हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट हरेंद्र शर्मा के साथ शांतनु भटनागर, Zoom मुंबई। फॉर ऑल द गरमा गरम बॉलीवुड गॉसिप न्यूज एंड मोर, डाउनलोड द Zoom ऐप नाउ।